भले ही ईरान के हमले में इसराइल ये दावा कर रहा हो कि उसने ईरान के द्वारा दागे गए हथियारों को 99% इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन इस हमले से एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में कितना ताकतवर है और उसने हिजबुल्ला और हूती के साथ मिलकर इसराइल पर चौतरफा हमला किया था। ईरान का दावा है कि उसने इसराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। और इसराइल के अनुसार भले ही ईरान इस हमले में इसराइल को कोई चोट नहीं दे पाया, लेकिन इस हमले में इसराइल को अरबों रुपए की चपत जरूर लगी है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद इजरायली सेना के एक बड़े ब्रिगेडियर जनरल रीम अमिनोच ने इजरायली यूनेट न्यूज से कही है। अमिनोच का कहना है, इंटरसेप्टर्स, जेट फ्यूल और ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए अन्य सैन्य सामान की लागत करीब $1.6 अरब से $1.33 अरब तक आई है। और बड़ी बात यह है कि इस लागत में अमेरिका और सैन्य सहयोगी देशों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों पर आए खर्च को जोड़ा नहीं गया है। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जनरल रीम अमिनोच इजरायली डिफेंस फोर्स के पूर्व वित्त सलाहकार रह चुके हैं। ब्रिगेडियर अमिनोच का कहना है कि पश्चिमी यरूशलेम एरो और डेविड स्लिंग्स इंटरसेप्टर मिसाइल्स जैसे गोला बारूद का इस्तेमाल करता है, जिसके प्रत्येक यूनिट की कीमत करीब $35 लाख और $10 लाख है। इसके अलावा इस खर्चे में लड़ाकू जेट्स द्वारा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने पर आने वाला खर्च भी शामिल है। इजरायली ब्रिगेडियर का कहना है कि ईरान के लिए इजरायल पर हमला करना इजरायल द्वारा अपनी रक्षा करने की तुलना में कहीं सस्ता था। ब्रिगेडियर अमिनोच ने कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने में आए कुल खर्च की तुलना में ईरान के लिए हमला करना 10% कम खर्चीला था। भविष्य में वर्षों, 2 वर्षों या 5 वर्षों में वो इस तरह के 50 हमले कर सकते हैं। और यदि IDF का 2023 में कुल बजट 60 अरब शेकेल्स था, जो उसके दोगुने से भी कम होने पर आपके पास ऐसे हालातों में पहुँचने का कोई मौका नहीं है। जी हाँ, जहाँ हम जरूरी रकम को बनाए रख सकें। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हेगरी का कहना है कि हमने 99% से ज्यादा ईरान से दागे गए 300 से ज्यादा कामिकेज ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया था। सभी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। जो विस्फोटक निवातीम एयरबेस पर गिरे थे, उनसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि इजरायली मीडिया ने इन हमलों को लेकर एक रिपोर्ट जरूर दी है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिणी इजरायल में ईरान के हमलों में एक 10 साल की बच्ची जरूर घायल हुई है, जो अपने घर के भीतर सो रही थी।